एवरीवन, वेलकम बैक। आप एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं आपको। और मैं इतनी ज़्यादा कोई एक्साइटेड हो गई हूँ उस वक्त अली तबस्सुम साहब की बात सुन के, वो फर्स्ट हाउस वाली, कि मैंने कहा कि मैं इधर आ जाती हूँ हॉट सीट पे, आप लोग यहाँ पे बैठे, क्या ख्याल है? सर आप बताएं। मैं तो वाकई देखिए नादिया, माशाल्लाह मेरी प्रोटेक्शन कैसे फौरी तौर पे ही बस यूं चुटकी बजाते जबरदस्त माशाल्लाह साबित होगी। वाकई अल्लाह ताला ने इमीडिएटली आपको, देखो अभी ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट और फेम, मैंने बताया था फर्स्ट हाउस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस साल में आपको खुशियाँ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं अच्छे लोगों की तरफ से, और जो भी आपकी इसमें प्लानिंग है, जो भी आपके, बिकॉज इफ़ यू हैव सम ऑब्जेक्टिव 100% उसमें आप कामयाब होंगी। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको आगे जो आपकी पर्सनल विशेष है उसमें आप कंटिन्यू कामयाबी हो। अजन मेरा की कसूर है, मैं हॉट सीट तो उठ गया, आ गया सुहेल अतीक साहब हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कहाँ आप? कराची से बोल रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी सुहेल भाई, किन से बात कीजिएगा? मुझे अली भाई से बात करनी है। अली तबस्सुम बैठे हैं जी, बात कीजिए। डॉक्टर नादिया बैठी है, क्यों आपको डॉक्टर नादिया से कुछ नहीं पूछना? नहीं, मुझे डॉक्टर नादिया से कुछ नहीं पूछना, मुझे अली भाई से मालूम करना। थैंक यू सुहेल भाई फॉर कॉलिंग। आप वुड यू लाइक टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ प्लीज? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है माइक पे। वो आपसे आपकी जो है तारीख के पैदाइश, तारीख के पैदाइश प्लीज बताइए उनको। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16th Feb 1978। 16th Feb 1978। वेल सुहेल भाई, मदर नेम बताएं प्लीज। रुखसाना जेटी। क्या पूछेंगे सुहेल? मुझे एक्चुअली, मैंने अभी हाल ही में जो है वो अपनी कंपनी से रिजाइन दिया है। मुझे अपना एक तो मतलब ये एयर जानना है कि कैसा होगा और नेक्स्ट जो है वो मेरे लिए क्या चीज बेहतर है। मैं एक्चुअली प्रमोशनल फील्ड में हूँ, मार्केटिंग की, और मुझे उस हवाले से जो है वो कुछ जानना है कि मेरे लिए क्या ये फील्ड बेस्ट है या आउट ऑफ कंट्री कोई है मेरा जाने का सिलसिला। ओके ठीक है, आई एम टेलिंग यू सुहेल, आपका यू बिलोंग टू एक्वेरियस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं, एक अच्छे साइन से बिलोंग कर रहे हैं जिसे हम जोहल बुर्ज धीरो कहते हैं। जोडिक असेंडेंट साइन आपका सैटर्न एंड योर लकी नंबर इज 8 एंड योर लकी डे इज सैटरडे। 9th हाउस बहुत अच्छा है, द हाउस ऑफ बिजनेस, कारोबार करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कामयाबी मिल रही है। थर्ड क्वार्टर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसे कह सकता हूँ कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मंथ आपके लिए बहुत मुबारक रहेंगे। अगर आपकी कोई एब्रॉड की प्लानिंग है तो उसमें भी आप ग्रेजुअली कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्वेरियस को इस वक्त जो सपोर्ट कर रहे हैं जो स्टार, उसमें जेमिनी, लिब्रा एंड सैजिटेरियस, 3 स्टार अच्छे सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आप कामयाब हो जाएंगे, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मंथ आपके लिए बेस्ट साबित होंगे। स्टोन आप पहन सकते हैं ब्लू सफायर या फिर एमिथेस्ट। सैटरडे के दिन व्हाइट कलर का सदका दिया करें, आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। कंटिन्यू अगर आप सूरह आले इमरान एंड सूरह बकरा की अगर आप तिलावत करते रहेंगे तो नजरें बस से बंदिशा से सेफ रहेंगे और 100% कामयाबियों की तरफ बढ़ते रहेंगे। उनका नाम, फिर उनका मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ प्लीज। जी 4th Feb 1979। वेल भाभी नाराज हो जाएंगी, आपने साल भी बता दिया। नहीं खैर है, हम दोनों की शादी को 7-8 साल हो गए माशाल्लाह। वेल सुहेल भाई, नाम दोबारा बता दें मिसेस का। उनका नाम है शाजिया सुहेल। ओके, मदर नेम इनका? उनका मदर नेम है नसरीन। शी आल्सो बिलोंग्स टू एक्वेरियस, एक अच्छा पेयर है दोनों का। मिसिस का स्टार बहुत ज़्यादा आपको रास आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7th हाउस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैटर लाइफ आगे बहुत ही अच्छी गुजरेगी, यहाँ पे हमारी सिस्टर शाजिया का स्टार आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर के महीने आपके लिए बहुत मुबारक रहेंगे, क्योंकि अगर आप इन बिटवीन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या अभी से आपकी कोई प्लानिंग है बाहर जाने की, तो उसमें आप कामयाब रहेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट 3 to 5 ईयर आपकी लाइफ में बिजनेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस पे यू कैन आल्सो गो टू आउट ऑफ कंट्री, 100% आपके लिए बाहर जाना भी मुबारक रहेगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। प्लस मिसेस का जो स्टार है, बिकॉज शी आल्सो बिलोंग्स टू एक्वेरियस, जोहल बुर्ज दिलों से रिलेटेड है, उनके लिए मैं स्टोन रेकमेंड करूंगा। शी कैन बियर दुर नजफ या फिर यमनी अकीक, दोनों में से कोई भी अगर ये स्टोन पेंडेंट फॉर्म में या रिंग फिंगर में पहनती हैं तो इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा।
सूरह कौसर एंड सूरह इखलास की डेली तिलावत किया करें, नजरें बस से बंदिश आ से सेफ रहेंगी एंड सदका दे सकती हैं वाइट कलर में, जिसमें कोई भी चावल आटा या कोई कपड़ा वेजिटेबल वगैरह हो सकता है, हर किस्म की इवल साइड से नजरें बस से बंदिश आ से सेफ रहेंगे। सोहेल भाई आपका अपना कलर वाइट तो नहीं है ना? सर ये मार्केटिंग ने जो है वो ब्लैक कर दिया है। अच्छा बस फिर ठीक है, इन्होंने व्हाइट रंग का सदका बोला था ना, भाभी कुछ और सोच ले फिर। चले यार थैंक यू वेरी मच सोहेल। अली भाई ने आपको आपके तमाम सवालों का आई होप जवाब दे दिया है और आई एम प्रीटी श्योर दैट यू वुड हैव लर्नड फ्रॉम व्हाट यू वांटेड टू नो। ए पाजन नजर बटू की होना है और जरूरी है कि काले रंग का हो, मतलब ये सफेद रंग का नहीं हो सकता? नहीं एक्चुअली स्टार से रिलेटेड में सदका तजवीज कर रहा हूं। वो तो आपने बता दिया लेकिन हम अपनी जनरल नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं। कहते हैं ना नजर जैसे लग जाएगी तो अक्सर अम्माएं वगैरह काला टीका लगा देती हैं, साइड में सुरमा लगा देती हैं, वो क्या होता है नजर बट्टू जिसको कहते हैं? नहीं एक्चुअली में बिल्कुल नजर उतारने के बहुत सारे इसमें मैं समझता हूँ की बट्टू साहब भी तो है ना वो जो हमारे पॉलिटिशियन है, उनको साथ ले जाए तो नजर नहीं लगती फिर? सदका किसी भी शेप में दिया जा सकता है, जैसे वाइट जिसमें एग हो सकते हैं, या जैसे बिल्कुल ये टोटके की शक्ल में, जैसे ब्लैक स्पॉट जैसे वो टीका लगा देते हैं, या ब्लैक डोरी या हाथ में या गले में इसमें अगर पहना दी जाए तो इससे भी हकीकत में नज़र नहीं लगती। अच्छा ये नाइजीरिया के लड़कों को बच्चों को नज़र लगती है? उनको वाइट रंग का स्पॉट लगाते होंगे उनके साथ एक गोरा रखा जाता है बेटा, ये आपका नजर बट्टू है ना? अच्छा खैर अभी वैसे एक बात बड़ी अच्छी है, इन्होंने अभी तक जितने लोगों को स्टोन्स तजवीज किए हैं वो इतने कोई नॉमिनल वाले किए हैं, मैं सोचती हूँ आप बताएंगे किसी को कि आपकी बेगम को हीरा पहनना चाहिए, आप प्लीज जल्दी से उनको दो कैरेट की रिंग लगा दें। आपको तो उन्होंने बता दिया, भाभी को आप एक हीरा खरीद के दें। डायमंड इसमें मैं समझ बहुत ज्यादा होते हैं और फिर इसमें एवरी पर्सन कैन नॉट अफोर्ड द डायमंड एंड एवरी बॉडी कैन नॉट वेयर द स्टोन, सो यहाँ पे डायमंड ऐसा होता है ना कि कुछ थोड़े से डेंजरस डायमंड होते हैं, जिसमें रेड डायमंड होता है, जिसमें ब्लैक डायमंड होता है, तो ये जरा थोड़े से इनको जाहिर है इससे सडन इंसान अगर इसको नेगेटिव वे में अगर इसका इस्तेमाल करे तो फिर प्रॉब्लम। आपने सुना अली भाई ने बताया कि डायमंड बड़ा खतरनाक होता है, अगर आप किसी शादीशुदा जोड़े को जिनकी जिंदगी अच्छी ना गुजर रही हो आप खातून से पूछें कि आपको आपके लिए एक अदद डायमंड जो है महीने में एक दफा बहुत जरूरी है, तो यकीन करें कि आपकी शादीशुदा जिंदगी के तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। कोई भी हाउस हो फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर फ्रॉम कैप्रिकॉर्न टू सेजिटेरियस ये तमाम हाउस ठीक हो जाएंगे। अली भाई आपका बहुत शुक्रिया आप आए और देखें आपके साथ बैठ के टाइम जो है ना वो ऐसे उड़ता है कि जैसे एक पंछी बगैर परों के उड़ रहा हो। और डॉक्टर नादिया आपका बहुत शुक्रिया, यू बीन अ ग्रेट सपोर्ट, यू बीन अ ग्रेट सपोर्ट, आई रियली विश दैट वी हैड मोर टाइम। लेकिन अली भाई एक चीज मुझे ये कम से कम खुशी इस बात की है कि हमारे लोग जो कि प्रॉब्लम्स का शिकार हैं एटलीस्ट दे हैव द करेज टू पिक अप अ फोन एंड कॉल। आपका आपका तमाम लोगों का जिन्होंने कॉल की बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नादिया अली भाई का एक दफा फिर शुक्रिया। हर दिन रात जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था व्हाट हैपेंड इन कराची यस्टरडे हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन इन आवर हार्ट्स। जैसे मैंने कहा खून का रंग तो एक ही होता है, एक दफ़ा सिर्फ सोच लें कि उस फैमिली के साथ क्या हुआ होगा जिसके घर जवान जहान बच्चों की भाइयों की बेटों की डेड बॉडी गई होगी, एंड जस्ट इमेजिन फॉर अ व्हाइल हुएवर हैज डन इट, एक दफ़ा अपने ऊपर रखे इसको फील कर ले तो इंशाल्लाह ताला कभी जिंदगी भर शायद आप ये ना करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वो भी अली भाई को फ़ोन करके पूछें कि अच्छे पड़ोसी के हकूक हासिल करने के लिए कौन सा पत्थर बैठना चाहिए। कल सुबह मिलेंगे एक दफ़ा फिर, आज सुबह अली सलमान अली तबसम हमारे साथ होंगे और डॉक्टर नादिया जो हैं वो आपको एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह किसी और शो में हमारे साथ मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू अली भाई और